भाई ये डोर पे कौन है भाई, चेक कर एक बार कौन आ गया रात में। डोर पे कौन आ गया भाई, पता नहीं यार कौन आ गया इतनी रात में। चलो चल के देखना पड़ेगा इतनी रात में डोर पे कौन आया होगा। हाँ चलो चेक करते हैं कौन है, फटाफट डोर को ओपन कर। हाँ ओ, ओ शिट घोस्ट, ओ नो भूत, ओ नो गाइस, ये भूत हमें पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहा है, ये हमें अपने अड्डे पे लेके जा रहा है। प्लीज आप लोग मुझे बचा लो, प्लीज गाइस हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी गाइस, प्लीज हेल्प मी। भाई उठ जा, भाई उठ, भाई जल्दी से उठ जा यार, जल्दी से उठ। ये देख भाई हम लोग कहाँ पे हैं। हाँ ये मैं कहाँ पर हूँ भाई, क्या हम लोग एक जेल के अंदर बंद हैं? हाँ हमें ट्रैप कर दिया है उस ब्लैक घोस्ट ने। ब्लैक घोस्ट यार बहुत खतरनाक है। अबे हाँ यार, इसने तो हमें यहाँ पे बंद कर दिया है, और अब हम लोग क्या करें मेरे भाई। भाई अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमें बहुत खतरनाक वाले जेल के अंदर डाला है। ये देख यहाँ पर कितने सारे कंकाल भी पड़े हुए हैं। हाँ यार यहाँ बहुत सारे कंकाल पड़े हैं, और हमारे सामने वो रहा भूत। लेकिन वो कहाँ जा रहा है भाई, वो तो कहीं चला गया है ना। मुझे लग रहा है वो खाने पीने के लिए गया होगा। भाई यही अच्छा टाइम है यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन कैसे। हाँ यार पता नहीं, लेकिन वेट कर, शायद मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। यहाँ पे एक रास्ता है बाहर निकलने के लिए, एंड आई होप कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। सो चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। ओके सो ओके ओके, बट ये काफ़ी कठिन है। यहाँ से बाहर निकलना उतना ही कठिन है जितना कि यहाँ से अंदर जाना है। सो हाँ व्हाट, अरे वाह, मैं तो यहाँ से बाहर निकल गया भाई, मजा आ गया। रुक मैं तेरे को बाहर निकालता हूँ, लेकिन यहाँ लॉक लगा हुआ है, इसकी चाबी कहाँ पर है, वो रही चाबी। जल्दी से यहाँ से चाबी लेता हूँ और तेरे को यहाँ से बाहर निकालता हूँ फटाफट से, फिर हम दोनों यहाँ से अपने घर पे चलेंगे, इससे पहले कि वो भूत यहाँ पे दोबारा आ जाए। हाँ जल्दी से निकाल भाई, टाइम नहीं है। ओके ओके, डोर खोल भाई, डोर खोल, तभी तो मैं बाहर आऊंगा। ये ले भाई मैंने डोर खोल दिया है, तू बाहर आ चुका है। हाँ भाई हम दोनों बाहर आ चुके हैं, लेकिन वेट, ओह शिट, भाई ब्लैक घोस्ट आ गया, भागो जल्दी, भागो जल्दी, बंद करो गेट को। भाई यार वो तो हमारे गेट के उस तरफ खड़ा हुआ है, कहीं वो हमारे गेट को ना तोड़ दे, उसके अंदर बहुत ताकत है भाई। हाँ भाई वो ऐसा कर सकता है, मुझे भी पता है उसके पास बहुत पावर है। देखते हैं भाई, वेट, ये आवाजें कैसी आ रही हैं भाई उस साइड से। हाँ यार बहुत आवाजें आ रही हैं। नो, अबे ये क्या, उसने गेट को तोड़ दिया है। जल्दी भागो मेरे भाई, जल्दी भागो यहाँ से, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी लेट्स गो, जल्दी अबे वो आ रहा है, जल्दी। हाँ भागो, जल्दी भागो, वरना ये हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। शिट, अबे भागो जल्दी से, जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा भाई, जल्दी भागो भाई। अबे वो तो मेरे पीछे आ गया, अबे मेरे को छोड़ दे भूत, जल्दी 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 जल्दी, लेट्स गो जल्दी। अबे भाई शिट, अबे शिट, वो तो मेरे पास आ गया, जल्दी जल्दी घर के अंदर चलो, जल्दी बंद करो इसको। ओके ओके, सो हम लोग अपने घर के अंदर आ चुके हैं भाई, लेकिन वो भूत तो हमारे घर के बाहर ही खड़ा है ना। हाँ वो बाहर ही खड़ा हुआ है, चलो ऊपर चल के देखते हैं वो गया कि वहीं पे खड़ा है। भाई तुझे क्या लगता है। हाँ भाई मेरे को पता है, शायद वो खड़ा होगा। हाँ ये देख, मैंने कहा था ना वो नीचे खड़ा होगा, वो नीचे खड़ा हुआ है, वो ब्लैक घोस्ट नीचे खड़ा हुआ है, और वो हमारा इंतजार कर रहा है कि जब हम लोगों ने गेट खोल दिया तो वो हमें अंदर घुसकर जान से मार देगा। अरे नहीं भाई हम लोग नीचे जाएंगे नहीं, ओए ब्लैक घोस्ट यहाँ से चला जा, क्योंकि आज हम लोग नीचे नहीं आने वाले हैं, चाहे तू कुछ भी कर ले नहीं आएंगे। सुबह हो चुकी है दोस्तों, लेकिन ये भूत यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं ये यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है, लेकिन ये यहाँ से कब जाएगा। अबे प्लीज भूत यहाँ से चला जा प्लीज। हाँ ये तो हमें देख रहा है, लेकिन क्यों, ये हमें क्यों देख रहा है, लेकिन अभी कहाँ जा रहा है भाई। भाई मुझे लग रहा है ये जा रहा है उस वाली केव के अंदर, उस केव में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं, ये उसी केव के अंदर चला गया भाई। हाँ लेकिन ये कुछ कह भी रहा था। हाँ इसका मतलब वो दोबारा आने वाला है। हाँ उसने ऐसा ही कहा कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा,
एंड वो आने वाला है भाई आज रात को। अबे यार इसका मतलब हमारा भी गेम ओवर नहीं हुआ है, पूरी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सो गाइस रात में भूत आने वाला है और भूत से बचने के लिए हमें ट्रैप बनाना पड़ेगा, यानी कि उससे अपने आप को बचाने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी ट्रैप बनाना पड़ेगा, वरना वो भूत हमें जान से मार देगा अगर हम लोग ये ट्रैप नहीं बनाएंगे तो। हाँ भाई जल्दी जल्दी इसको बनाते हैं, क्योंकि वो घोस्ट है ना वो रात में और ज्यादा पावर्स लेके आने वाला है, एकदम डबल पावर करके आने वाला है वो आज रात को। हाँ मेरे को पता है उसकी पावर रात में डबल हो जाती है, एंड फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ता है मेरे भाई। हाँ भाई मुझे पता है वो किसी को नहीं छोड़ता है। लेकिन भाई तू मेरे को पहले एक बात बता, क्या तूने वीडियो को लाइक कर दिया? भाई वीडियो को लाइक भाई मैं कैसे करूँगा, मैं तो तेरे साथ खेल रहा हूँ ना। तो कौन करेगा फिर हमारी वीडियो को लाइक? अबे तेरी वीडियो को लाइक सिर्फ वही करेंगे जो तेरी वीडियो को देख रहे हैं। क्या ऐसा भी होता है? सो क्या गाइस आप लोगों ने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है? नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, सारे के सारे लोगों ने। मेरे सब्सक्राइबर मेरे से बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी हर एक वीडियो को लाइक करते हैं, और तेरे को पता है भाई वो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे प्रेस भी करेंगे। अरे नहीं भाई तू सब कुछ झूठ बोल रहा है, वो ऐसा कभी करते ही नहीं है। नहीं गाइज आप लोग मेरे भाई को दिखा दो, आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो। गाइज आप लोग बस इतना कर दो, उसके बाद मैं अपने भाई को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। अगर भाई तेरी इस वीडियो पे 5000 लाइक एंड 5000 सब्सक्राइब आ गए ना तो मैं मान जाऊंगा कि तेरे सब्सक्राइबर बहुत ही अच्छे हैं। हाँ तो गाइज आप लोग दिखा दो, भाई मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं। गाइज आप लोग जो भी देख रहे हो ना हर एक बंदा वीडियो को लाइक करके जाना, बिना लाइक करे कोई भी मत जाना प्लीज। इसलिए सारे के सारे बंदे जो देख रहे हैं हमारी वीडियो को ना प्लीज दोस्तों लाइक कर दो, मेरे को अपने भाई को सबक सिखाना है, प्लीज लाइक कर दो ओके। लेकिन भाई तूने वहाँ पीछे से यहाँ तक क्या बना दिया मेरे को कुछ बता तो। भाई मैंने यहाँ पे बनाया है तीन तीन खतरनाक से ट्रैप। सबसे पहले हम लोगों ने बनाया है लेजर लाइट ट्रैप, एंड सेकंड वाले में हम लोगों ने बनाया है प्रेशर प्लेट ट्रैप, एंड थर्ड हम लोग बना रहे हैं स्विमिंग पूल ट्रैप। स्विमिंग पूल ट्रैप भाई ये इसके अंदर कौन सी फिश है, ये मेरे को बहुत खतरनाक लग रही है। भाई ये फिश जो है ना वो मैं बहुत बड़े अंटार्कटिका के सी से लेकर आया हूँ। ओ तू वहाँ पे कैसे गया भाई, तू मेरे को लेके क्यों नहीं गया? भाई मैं शिप से गया था अपने सपनों में। सपनों में फिर तू यहाँ पर कैसे लेके आ गया इनको? अबे यार तू छोड़ ना, तू फालतू की बातें क्यों कर रहा है, तेरे को ना जाना है और ना मेरे को जाना है, मैं अपने सपनों में गया था ना। अच्छा तो आज मैं भी अपने सपनों में जाऊंगा। हाँ ठीक है तू भी अपने सपनों में जाना भाई, वैसे हम लोग वैसे तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते। हाँ यार लेकिन ये क्या कर रहा है तू, यहाँ पर तूने इसको पिस्टन को लगाया एंड इसके अंदर बहुत सारे एरो डाल दिए। अरे भाई मैंने यहाँ पे लगा दिया है एरो वाला ट्रैप। एरो वाला ट्रैप, ओ मैं समझ चुका हूँ भाई, ये डोरबेल एरो वाला ट्रैप है, ये बहुत ही काम का होता है। हाँ ये बहुत ही काम का होता है, बहुत ही मस्त ट्रैप होता है ये। लेकिन भाई हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रैप कंप्लीट हो चुके हैं, एंड अभी हमें कोई और ट्रैप भी बनाना है क्या? हमें और कोई ट्रैप तो अभी शायद नहीं बनाना है, लेकिन हमें अपने घर के अंदर बहुत सारा काम करना है, अभी तेरे को शायद नहीं मालूम होगा। घर के अंदर अब कौन सा काम करना है भाई, हमें तो सारा का सारा काम बाहर करना था एंड बाहर वाला काम पूरा हो चुका है। भाई हम लोग एक काम और भी करते हैं, हमें अपने घर के अंदर बिछाने पड़ेंगे TNT, क्योंकि हम लोग कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक सेकंड भाई पहले तो ये बता कि तू कौन सी क्लास में है। क्लास भाई मैं तो 8th क्लास में हूँ, तू कौन सी क्लास में है? अच्छा 8th में है, भाई मैं तो 11th में नहीं हूँ, मैं तो 12th में हूँ। अच्छा 12th में है, भाई तुझे क्या लगता है जो हमारी वीडियो को देख रहा है वो कौन सी क्लास में होगा? दोस्तों आप लोग कौन सी क्लास में हो एंड आप लोग कैसे पढ़ते हो प्लीज कमेंट करो, आप लोग कौन सी क्लास में हो एंड आपकी एज क्या है प्लीज कमेंट में हमें बताओ, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग हमारी वीडियो को कितनी अच्छी तरीके से देखते हो एंड कितना अच्छा पढ़ाई करते हो। हाँ जल्दी जल्दी से कमेंट्स के अंदर बता दो भाई, यहाँ पर सारा का सारा काम होने वाला है, बस लगभग थोड़ा सा बचा है।
हाँ ये होने वाला है, हम लोग टीएनटी को बिछाने वाले हैं। तेरे को पता है मैं टीएनटी क्यों बिछा रहा हूँ? भाई पता है मुझे, वो घोस्ट है ना वो बहुत खतरनाक है, एंड पता नहीं वो अंदर भी आ सकता है, इसलिए तू इनको बिछा रहा है। हाँ मैं इसीलिए बिछा रहा हूँ ताकि वो घोस्ट अंदर ना आ जाए। अगर वो लोग अंदर आ गए ना तो हम इन टीएनटी को ब्लास्ट कर देंगे और वो भी साथ में मर जाएंगे। लेकिन इसमें हमारा एक नुकसान होने वाला है, हमारा पूरा घर टूट फूट जाएगा। हाँ यार फिर हमें अपना घर कहीं और दूर जगह लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला घर तो हमारा डिस्ट्रॉय होने वाला है ना। हाँ यार। सो भाई मैंने अपने घर में बहुत सारे टीएनटी को बिछाया है ना, तेरे को पता है? हाँ पता है भाई, मैंने तेरी मदद करी थी अभी। हाँ सो अब मैं करने वाला हूँ टीएनटी को लीवर से कनेक्ट, क्योंकि जब मैं उनको ब्लास्ट करूंगा तो लीवर से तो ब्लास्ट करूंगा। हाँ लीवर से तो ब्लास्ट करा जाता है भाई, तेरे को इतना नहीं पता? भाई मैं तेरे से पूछ रहा हूँ बेवकूफ। भाई तू मेरे को क्यों कह रहा है? अरे मैं बहुत प्रो हूँ भाई, मेरे को सब कुछ पता है, मेरे से मत पूछ। अबे तू इतना प्रो हो गया, लेकिन तू तो एक बहुत बड़ा नूब था। भाई कब, मैं भाई बचपन से प्रो हूँ, तुझे कुछ भी नहीं पता है मेरे बारे में। अबे इतना बड़ा झूठ आइला, तू इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? तू तो एक बहुत ही बड़ा नूब था यार, इतना प्रो तू कैसे हो गया अपने सपनों में? हाँ भाई मैं अपने सपनों में हैकर बन चुका हूँ, हैकर, और आज तो मैं हीरो ब्रैंड को मारूंगा अपने सपनों में। लेकिन भाई तू हीरो ब्रैंड को अपने सपनों में ही मार पाएगा, और हैकर भी तू अपने सपनों में ही बन पाएगा, कभी रियलिटी में नहीं आ पाएगा। देखना भाई कभी ना कभी मैं जरूर हीरो ब्रैंड को एकदम मार दूंगा। अबे चल जा यहाँ से नूबड़े कहीं के, अभी तू बहुत बड़ा नूब है भाई, तेरे को भाई कुछ माइंड करना तो आता नहीं, फिर तू क्या कर लेगा? भाई तू मेरे हाउस के अंदर चल के देख, बहुत सारे डायमंड्स हैं मेरे पास। अभी चल देखता हूँ तेरे पास कितने डायमंड्स हैं। मेरे को पता है तूने मेरे डायमंड्स चोरी कर लिए होंगे, और क्या करेगा तू? ओह माय गॉड, बातों बातों में रात हो चुकी है। हाँ भाई रात हो चुकी है, एंड वो देख घोस्ट आ चुका है। ओबे यार अब हम लोग क्या करें भाई, घोस्ट आ गया। ओबे हाँ वो तो सामने से आ रहा है। ओह माय गॉड, ओह शिट, एंड ये क्या भाई, उसने तो एक झटके में लेजर लाइट को पार कर लिया। अबे हाँ वही तो, इसका मतलब ये भूत बहुत ही ज्यादा भयानक और डेंजरस है। हाँ यार तेरे को और भी ज्यादा ट्रैप बनाने चाहिए थे, उसका इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सारे ट्रैप फेल होने वाले हैं, और वो स्विमिंग पूल के अंदर कूद गया है, लेकिन वो स्विमिंग पूल के अंदर मछली उससे फाइट कर रहा है। अबे उसने स्विमिंग पूल को भी पार कर लिया है वो देख, एंड वो मुझे पता है वो अब हमारे घर के अंदर घुसने वाला है। भाई तेरे सारे के सारे ट्रैप्स फेल हो चुके हैं, ये देख इसने तीनों के तीनों ट्रैप पार कर लिए हैं। जो हमारे खतरनाक वाले ट्रैप थे ना, उसने तो उनको आराम से पार कर लिया, अब ये क्या ही करेगा डोरबेल वाले ट्रैप से। हाँ यार मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब ये क्या करने वाला है, हमारे डोर पे आ चुका है ये, और अब ये हमारे डोर पे आके खड़ा हो चुका है। भाई मुझे तो लग रहा है कि ये हमारे घर के अंदर घुस के हमें खा जाएगा। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, और ये कौन आ गया साथ में इसके? भाई कोई और भी है इसके साथ में, पता नहीं वो इसका भाई है, पता नहीं कौन है। अबे भाई वो ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी। अच्छा ये ज़ॉम्बी है, लेकिन ज़ॉम्बी को मारो भगाओ यहाँ से, भाई ये कहाँ से आ रहे हैं? अबे मुझे क्या पता, रात का समय है, एंड शायद ये घोस्ट उसको साथ में लेके आया होगा। हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे अभी तो इस भूत से बहुत डर लग रहा है यार, क्या करूँ इस भूत को यहाँ से कैसे हाँ ये तो यहाँ पे टीएनटी फोड़ रहा है। भाई मुझे लग रहा है उसको गुस्सा आ गया, इसलिए इसने देख यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, क्योंकि इससे डोर खोल नहीं रहा है, एंड ये एरो खाते खाते अबे ये ब्लास्ट कर रहा है। अबे ये नहीं, ओ शिट, इसने कर दिया है ब्लास्ट, और अब ये हमारे घर के अंदर घुसने वाला है भाई। अबे भाई हमें जाना पड़ेगा नीचे, और नीचे जाके हमें लीवर को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे घर के अंदर आ चुका है। हाँ जल्दी भागो, जल्दी से, टाइम नहीं है, क्योंकि वो ऊपर कभी भी आता होगा, पहली बात तो वो हमें नीचे ढूंढ रहा होगा। भाई एकदम देख के करना, कहीं वो बच ना जाए। ठीक है भाई मैं लीवर को ऑन करके इसको जान से मार दूंगा, और हमारा घर भी पूरा ब्लास्ट होने वाला है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये मरना चाहिए, ये शायद ऊपर पहुंच चुका है भाई, शायद ये नहीं, ये नीचे ही है, वो देख सामने खड़ा हुआ है। रुक जा भाई अब इसको मारने का टाइम आ चुका है। ओके तो ये देख ये मर चुका है,
और हम लोगों ने एक भूत को मारकर बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये भाई मजा आ गया भाई इसको मारने के बाद।